نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ladies and gentlemen, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آ جائیں بیٹا, آ جائیں. थैंक यू सो मच. मैं फिर आपके साथ मिलता हूँ और चाय भी हम पीएंगे. खवातीन हज़रात, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट का मशकूर हूँ कि मुझ नाचीज को इन्होंने बुलाया कानून की हुकमरानी के मौजू पे वकला हजरात से खिताब के लिए. मैं मशकूर हूँ इस्लामाबाद बार कौंसिल का भी, हमारे इंतहाई मोहतरम राजा अलीम खान अबाज साहब का, कि उन्होंने भी इस मौके पे शिरकत फरमा के हमारी इज्जत अफजाई की है. मैं साबिका सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मलिक नवीद साहब और जितने भी हमारे वकला जो अमा आए हुए हैं सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज्जत अफजाई बख्शी. जनाब सदर आज़ाद साहब ने कानून की हुकमरानी पे भी लबकुशाई की और राजा अलीम खान अब्बासी, मैं आपको वादे कर दूँ इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है नज़रियाती तौर पे, लेकिन आपने इनका मौक़िफ़ सुना जो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि वकील का मौक़िफ़ हमेशा मुख्तलिफ होता है. अगर वो उसकी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो कानून की हुकमरानी से मुतसादम हो, इंसाफ के हसूल से मुतसादम हो, आईन और कानून से मुतसादम हो, यही वजह है कि बाद अवकात कुछ इशूज पे मैं जब कोई बात करता हूँ पार्लियामान में मीडिया के सामने तो मुझे अपने ही पार्टी के दोस्तों की तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूँ और कहता आया हूँ कि किसी भी दौर में अगर आपसे गलतियाँ होती है तो गलतियों के इतराफ़ किया जाना या करना, इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई गलती या किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उस ज्यादती को ज्यादती कहना चाहिए. ये वकील ही कर सकते हैं और वकील ही करते हैं, और एक वकील हमेशा पहले वकील ही रहता है, इसके बाद जो है वो सियासतदान होता है, उसके बाद जो है वो किसी का तर्जमान होता है. हम 32 साल इस पेशे को दे चुके हैं, हमारे रग में हमारे खून में अब वो चीज़ें इतनी सरायत कर चुकी है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सियासी या वक्ती मसलियतों के लिए हम कोई दूसरा राह गिलापना शुरू करें, ये नामुमकिन है. हम हर वक्त कानून की हुकमरानी की बात करेंगे, इंसानी बुनियादी हकूक की बात करेंगे. अगर मेरे पार्टी के दौर में किसी का हक वायलेट होता है, किसी के साथ ज्यादती होती है, तो शायद ये मेरी नाकामी है कि मैं जो है उस वायलेशन को रोक नहीं सका. ख्वातीनों हज़रात, मौजू है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ. व्हाट अ रूल ऑफ लॉ इज, सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज दैट रूल ऑफ लॉ इज अ सेट ऑफ लॉज
institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizen. Yani ke कानून की हुक्मरानी ये कहती है सादा तरीन तारीफ के एक मुआशरे के तमाम शहरी जो हैं कानून की नज़रों में बराबर हैं और उनके हकूक अगर रियासत जो है वायलेट करती हैं तो वो रियासत या वो हकूमत जो हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने इन अफ़ाल के लिए. तो जिस निज़ाम में जिस मुआशरे में ये आपको नज़र आता हो कि शहरी जो हैं उनमें क्लास की तफरीक नहीं है, उनमें मज़हब की बुनियादों पे तफरीक नहीं है, उनमें ज़बान की बुनियादों पे तफरीक नहीं है, जिन्स की बुनियाद पे तफरीक नहीं है, जिस तरह हमारा आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 4, जिस तरह हमारा आईन का आर्टिकल 25 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ दैट इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 4. अब जो आपके बुनियादी हकूक है, ये बुनियादी हकूक आप लोगों ने पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सुना है कि ये है क्या चीज़, ये वो हकूक हैं जो आईने पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है और जिनकी इन्फोर्समेंट का इख्तियार जो है वो अदलिया को दिया गया है और हकूमत को ताबे बनाया गया है. रूल ऑफ लॉ चूंकि हमारा जो मौजू है वो महदूद तो नहीं रखा है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का क्या मेयार है और क्या सूरत हाल है, लेकिन सिर्फ दो तीन हवाले मैं दूंगा. ये है बुनियादी तौर पे एक एकेडमिक बात और एकेडमिकली देखना पड़ता है, दुनिया की तारीख का मुलाहिजा करना पड़ता है. आपको शायद इल्म ना हो, प्लीज आपको इल्म ना हो, लेकिन ये कानून की हुक्मरानी ये आप सबको हम सबको माननी चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे मजाहिब बहुत सारी तहजीबें आई और साथ में अपने कवानीन भी लाई, लेकिन जहां कानून की हुक्मरानी की बात हुई है तो जदीद दुनिया में, मैं मिडिवल टाइम्स पे भी आता हूँ या क्रिश्चियनिटी या जब इस्लाम का ज़हूर होता है और किस तरह उन्होंने जो हैं अपने शहरियों को या अपने मानने वालों को कानून के ताबे और मुआशरे के अंदर रवादारी इंसाफ बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन अपने हद तक उस ज़माने में फराहम की, लेकिन जदीद दुनिया में हमारे सामने जो अमली मिसाल है वो इंग्लिस्तान की है, यूनाइटेड किंगडम की. 1660 में उस वक़्त की चीफ जस्टिस ने करार दिया कि जो इंग्लिस्तान का बादशाह है वो कोई भी कानून पार्लियामेंट से कंसल्टेशन के बगैर नहीं बना सकता है. अब ये वो ज़माना था जब मनार्की थी, बादशाह थी. हमारे यहाँ तो चंद ममालिक में अभी भी बादशाहत चल रही है, वहाँ तो अब टिटुलर मनार्की है, बराए नाम किंग है, इख्तियार कोई नहीं है. इसके बाद तसलसल हुआ, मैग्ना कार्टा आया और अब हम 19वीं 20वीं और अब मौजूदा दौर में आ गए और यहाँ इस सफ़र में कुछ अकदार बन गए. मगरिब में जो अकदार बने हैं कानून की हुक्मरानी की, उनकी दो तीन मिसालें मैं अगर दूं कि वहाँ कोई वजीर, कोई जज, कोई सहाफ़ी, कोई वकील ये तसव्वुर नहीं कर सकता है कि गाड़ी का बेल्ट बांधे बगैर वो गाड़ी चलाएगा और अगर कोई चालान करने आ गया तो उसको लेने के देने पड़ेंगे, जिस तरह हमारे यहाँ है. वहाँ ऐसी मिसालें हैं, जब ये जहाज़ क्रेश हुआ था मशहूर जो
बहरी जहाज था जिस पे फिल्म भी बनी, टाइटैनिक। उस जहाज में चूंकि वो सैरो तफरी के लिए निकला था तो उसमें बड़े बड़े अमीर उस वक्त के अरबपति मौजूद थे। तो उसमें एक अरबपति, दो अरबपति ऐसे थे जो अपनी दौलत के बलबोते पे उस किश्तियों में, जो बेसिकली उन किश्तियों में ये सवार होके जा सकते थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा ज़मीर तो गवारा ही नहीं करता है कि हम अपने आप को बचा लें और दूसरों को जो है ये देखें कि डूब जाएं। तो लिहाजा उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी जगह दूसरों को देते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी सोच पनप सकती है? हमारे यहाँ जब पाकिस्तान की बात होती है, और जिस तरह अलीम अबाई साहब ने जदीद तरमीमात की बात की, और उन्होंने आज़ाद साहब ने जो हैं पाकिस्तान के आईनी और सियासी हालात का ज़िक्र किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात, मुआशरों के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी क्यों है? नंबर वन, क्योंकि कानून की हुक्मरानी जो है तीन चीज़ें इंश्योर करती है। नंबर वन, इंसाफ की फराहमी। इंसाफ की फराहमी अब कोई मुआशरा हो, कितना ही रिच क्यों ना हो, लेकिन जहां पे इंसाफ नहीं होगा वहां वो मुआशरा जो है उसके अकदार पनपने का, उसके अकदार या उसके कल्चर का बढ़ने का कोई भी स्कोप नहीं है। वो कौमें मिट जाती हैं और मिटी हैं। आप इंसानी तारीख देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, हत्ता कि आप बाइजेंटिनियन सिविलाइजेशन को देख लें, बाइजेंटिनी जो कि कस्तंतुनिया उनका पाया तख्त था, कि क्या चीज उनको ले डूबी? यही कि जब हुक्मरानों ने जो है वो अपने मुआशरे से अदल को जो है मफकूद कर दिया, और यही हालत रोमन्स की हुई जिन्होंने हजार साल से ज्यादा दुनिया पे हुक्मरानी की। तो लिहाजा ये तसव्वुर करना कि पाकिस्तान में हम 25 करोड़ आवाम को इंसाफ फराम किए बगैर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं, ये धोखा है, फरेब है, और ये कतयन मुमकिन ही नहीं है कि ये मुआशरा बगैर इंसाफ के परवान चढ़ सके। नंबर वन। नंबर दो, क्या ये मुआशरा जुल्म के साथ, अब जुल्म क्या है? जुल्म वो चीज है जो सबसे पहले डंक मारता है कानून की हुक्मरानी को। जब आप अपने फायदे के लिए, छोटे से मफाद के लिए दूसरे का हक मारते हैं, और इस हक मारने के दौरान जो है आप इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं, दो नंबर तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा आप कानून की हुक्मरानी को पामाल करते हैं। अब जुल्म जो है, कुरान करीम और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो लबरेज है इससे कि जुल्म किसी भी सूरत में हो। कुरान के अल्फाज हैं, तो जालिम के खिलाफ चीख चीख के दुनिया को बता दे कि ये जो हो रहा है ये जुल्म है। कुरान इंजॉइन करता है, ड्यूटी कास्ट करता है। हमारे मुआशरे में जो हमारी हालत बनी हुई है, पैथेटिक एक छोटा सा लफ्ज होगा, क्योंकि कानून की हुक्मरानी की मिसालें तो बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े लोग अपनी जाती जिंदगी से कायम कर रहे हैं। हमारा तो ऐसा मुल्क है कि जहां पे कोई भी शख्स जो है जब वर्दी पहन लेता है तो आईन को इस तरह पामाल करना शुरू कर देता है जैसे आईन न हुआ गठर में थेरती हुई बच्चे की बनाई हुई कागज की किश्ती। हमने देखा
अयूब खान से जो सिलसिला शुरू हुआ, याया खान, ज़ियाउलक, मुशर्रफ और फिर ताहाल, इस दौरान हमारे सामने एक और भी एक वाकया होता है कि जब ज़ियाउलक आता है तो अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को सुप्रीम कोर्ट के जरिए पांथी पे चढ़ा देता है। 40 साल बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंसाफ के लिए नहीं किया, काजी फ़ाइज़ ईसा ने पीपल पार्टी को खुश करने के लिए, गर्चे फैसला दुरुस्त है, 40 साल बाद या 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी वो तो जलम हुआ था। कैसा जलम था? जलम नहीं हुआ था, कत्ल हुआ था। एक इंसान का आपने अदालती कत्ल किया और इंसाफ का तकाजा था कि उन जजों को उनकी कब्रों पे जाके सजाएं देते। ये इंसाफ का तकाजा था। मुशर्रफ को फांसी का आर्डर तो हो गया, मकाफात अमल है, और जिसने इस फैसले को उड़ाया वही थे ना, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब जो डिसग्रेस होके चले गए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिरे से वो मैकेनिज्म ही इलीगल है जिसके तहत मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई। हालत क्या हुई उस जज साहब की? अजीजान मन, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी एक ख्वाब ही रहेगी जब तक माजी में जिसने कानून और आईन को तोड़ा है उन सबको, चाहे जिंदा है या मुर्दा है, कानून के मुताबिक सजा न दी जाए। मुशर्रफ की फांसी पर अमल दरामद होता या वो फैसला ठहरता तो ये 2.5 साल से इस रियासत में ये लोगों के घरों में घुसना, हुआ करना, मारना, पीटना, ये अवामिल न होते, क्योंकि कानून का डर होता। और आप अल्लाह की शान देखें कि जो अपने वक्त में हर कोई शख्स ताकत के बलबोते पे, चाहे वो जर्नेल हो चाहे वो जज हो, काजी फ़ाइज़ ईसा की तमक्कुनत अभी भी हम नहीं भूले, उसका तकब्बुर, उसकी अवाम के साथ वकला के साथ बेरुखी, बदतमीजियां, अल्लाह की शान है जो अपने अदालत में लोगों की तवहीन किया करता था, आज दुनिया भर में खुद तवहीन उसके साथ हो रही है और शायद ये मरते दम तक उसका मुकद्दर होगी। अल्लाह की शान है, मुशर्रफ के मुखिया भूल गए जो लहराया करता था कि इधर हम हैं और हम बताएंगे, वही मुशर्रफ था लागिर, कमजोर, रियासत कानून और आईन से भागा हुआ, मरते दम तक उसको इस धरती पे सांस लेना नसीब नहीं हुआ। वो ज़ियाउलक जिसकी वो जंगली बेड़ की तरह वो दांग थे, भूल गए कि जब मरा, आज भी हमें इलम नहीं है कि फैसल मस्जिद में इसके कब्र में जो हड्डियां पड़ी हैं वो इंसान की हैं कि किसी जानवर की है, किसी को ये इलम नहीं है कि साबिका आमिर यानी कि याया खान और पेशरो अयूब खान, किसी को इलम नहीं है कि इनकी कब्रें कहां पे हैं। आज और ये तारीख के कोड़े हैं जो लगे हैं उन तमाम लोगों पे जिन्होंने अपने वक्त में अपने आप को फिरौन साबित करने की कोशिश की। ये वो थे जो इंडिस्पेंसेबल थे, जो अपने आप को नागजीर समझते थे। तो लिहाजा जिस शख्स ने इस पाक धरती के लोगों के साथ, इनके वसाइल के साथ,
इनके कवारीन के साथ जबर जलम या किलवाड़ की कोशिश की, तारीख ने ऐसे अबरतनाक कोड़े इन पे बरसाए हैं कि आज उनके वजूद की रियूंद जो है, बाकियात, वो भी किसी को देखने को नहीं मिल रही है। न किसी को शक्ल दिखा सकते हैं, और ये बात जर्नेलों तक महदूद नहीं है। जजों की मिसाल लें, यही इफ्तिखार चौधरी, मुझे याद है 2013 में जो सदर था, ये जब रिटायर हो रहा था तो किसी ने कहा इस्लामाबाद बार उनके लिए खाना करेगी, तो मैंने कैबिनेट को कहा आएगा तो मैं इसको गंदे अंडे मारूंगा, और नहीं आया। इफ्तिखार चौधरी, यानी कि कितना बड़ा फिरौन बन गया था। फिर साकिब निसार को हमने देखा, बंदियाल को देखा, खोसा को देखा, यानी कितने छोटे साबित हुए इतने बड़े मनासिब पे बराजमान लोग। और फिर काजी फैज हिसा की शक्ल में हमने सबसे बड़ा अदालती खबीस देखा, ये मुनसिफ, इसको कहना, इसके आमाल जो है, जो इसने पाकिस्तानियों के साथ किया, पीटीआई को निशाना बनाते बनाते वो पाकिस्तान कबेड़ा गर्क कर गए। आज ये 26वीं आईनी तरमीम रा उसने अमवार की मिली भगत करके। अब नून के लोग चीख रहे हैं कि जी हम इंग्लिस्तान में जिन लोगों ने घर से गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिविलाइज मुआशरे में सिविलाइज तरीके से किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हर एक का बुनियादी हक है। आप धमकियां दे रहे हैं हम पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, हम हैं ना, आप ब्लॉक करें हम खुलवाएंगे, जिस जिस का आप ब्लॉक करेंगे हम खुलवाएंगे। और सबको ये याद रखा जाना चाहिए, जो आज मनासिब पे बराजमान है, जिस तरह वो बाजवा की फ्रांस में शायद वीडियो आई थी जब उसको पढ़ रही थी गालियां, और ये फैज ईसा को, ये दर्स लें पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के साथ जो जो खेलेगा अवाम ने माफ नहीं करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान स्मोक का शिकार, स्मोक खा रहा है। अभी ये स्मोक पहले लाहौर तक महदूद था, अब तो ये पेशावर तक पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में हम इस्लामाबाद के लोग भी इससे महफूज नहीं होंगे। फिर माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं वो आने वाले 3 सालों में तबाहकुन हैं। अब हम करप्शन से करने से हमें फुर्सत ही नहीं है, सियासी मकासद के हसूल के लिए लोगों के मारपीट और अगवा किए जाने से हमें फुर्सत ही नहीं है। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम मस्तोंग में जो बच्चियां मारी गई और जो क्वेटा में जो हैं 24-25 लोग शहीद हुए खुदकश हमले में, हमारे पास इन कामों के लिए वक्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज प्रैक्टिकली जो हैं कानून की हुक्मरानी से निकल चुके हैं, वहां बंदूक के जोर पे फैसले हो रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है इन चीजों के लिए। हमारे पास वक्त है सहाफियों को उनका आवाज मजल करने में, उनको नौकरियों से निकलवाने में, उनको अगवा करने में, सियासतदानों की लायलिटीज वफादारियां तब्दील करवाने में, वकला को धमकियां देने में। और पाकिस्तानियों, एक वाहिद चीज जिसने पाकिस्तान में गुंडों के राज को कायम किया है वो खौफ है। इस खौफ के बलबोते पे 25 करोड़ अवाम जो हैं इनको जनखों की स्टेटस तक महदूद कर दिया है। एक ही तो जिंदगी है, हमारे अबाओ अजदाद ने भी गुजारी ना, लाखों साल की तारीख हम पढ़ते हैं, तो जब ये एक जिंदगी हमने डर डर के और खौफ से और सिसक सिसक के गुजारनी है,
तो जो तारीख में जिन लोगों ने नाम रकम किया है, क्यों कर हम नहीं दे सकते हैं? नेगोरा काराबाख की तारीख पढ़ें, इराक की तारीख पढ़ें, तुर्कों की तारीख पढ़ें, रोमनों की तारीख पढ़ें, माजी में ज्यादा ना जाएं, क्यूबा की तारीख पढ़ें, ची गवेरा को पढ़ें, फिडेल कास्ट्रो को पढ़ें, सदाम हुसैन को पढ़ें। हम असर मिसाल देता हूं, ईरान को देख लें। परसों खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के असासे जो हैं वो 2 महीनों के इंपोर्ट को जो हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं, 2 महीने। ईरान जो है सन 1979 जब खमेनी का इनकलाब आया, आज तक दुनिया के सैंक्शंस को भुगत रहा है। न दवाइयां इसके पास जाती हैं, न कोई तिजारत कर सकता है, न कोई इनके पेट्रोल खरीद सकता है। क्या कौम है, डटी हुई है, 50 साल से जायद गुजार लिए। अब इनका सीमेंट, इनका सरिया, इनका पेट्रोल, इनकी दवाइयां पाकिस्तान में स्मगल होकर आती है और कीमत जो है क्वालिटी में बेहतर और कीमत पाकिस्तान के सरिये और पाकिस्तान की सीमेंट से सस्ती। क्या कौम है? कौमें तो ऐसी बनती है। हमारे यहां 10 सिपाही या रेंजर वाली लाठी उठाए आते हैं और एक अजदहा में लोगों का भाग रहा है, भागो भागो। ओ भाई, कोई इजराइल है? अगर तुम्हारा हक किसी ने मारा है और तुम्हारे हक पे बैठा हुआ है तो जाओ, डट जाओ, कड़े हो जाओ। यही हमें हमारे दीन ने सिखाया है, ये हमारे रसूल मुस्तफा ने हमें बताया है, ये हमारे वालिदैन ने बताया, ये हमारी मजहब की ताईद है। क्या खुदा के जात की मुनकिर नहीं होते हम, जहां हम खौफ और डर के मारे किसी के आगे अपना हक सरेंडर करते हैं? तो लिहाजा कानून की हुक्मरानी आपके जिंदगी के तमाम शोबे जो हैं उससे मुतालिका है, और दुनिया में शायद ही किसी कौम को इतनी ज्यादा जरूरत है आजकल जितना पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी दरकार है। तमाम मुआशरों में कानून की हुक्मरानी को इंप्लीमेंट किया जाता है अदलिया के जरिए। तो लिहाजा जदीद तहजीब में आजाद अदलिया जो है वो मुआशरों का एक मुतलकुल अनान हक है जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आपने 26वीं आईनी तरमीम बनाई क्या कि जनाब अली 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनमें से जो भी हुकूमत को पसंद होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। यानी कि जो 3 सीनियर मोस्ट है तीनों आप कोशिश करेंगे कि हुकूमत को नाराज नहीं करना है ताकि कोई इनमें से चीफ जस्टिस बन जाए। यानी आपने अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज कर दिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई और पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को पता था कि अमीनुद्दीन खान ने ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बनना है, हजरत बन गए, खुद ही इनकार कर देते कि मेरा हक नहीं बनता है। वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, कसूर क्या था? इनके फरिश्तों को भी इलम नहीं था कि रिजर्व सीटों के फैसले पे उनकी आरा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आईनी तरामीम का बाइस बनेगी। तो आपकी अदलिया की आजादी किधर रही? कल एजाज सैद की वीडियो में देख रहा था, कोई जर्नल बनाए पीटीए का चेयरमैन, नादरा का तो पहले बना था, सिर्फ नादरा की नहीं, सर्विंग जर्नेलों को सिविल दारों के सरबराहान क्यों बनाया जा रहा है? क्यों आप हक तलफी कर रहे हैं सिविलियंस की? हमारे यहां ये जो एनएलसी और एफडब्ल्यूओ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के इदारे हैं फौज के, वो टेको में कंपटीशन या टेंडर ही नहीं डालते हैं। उनको मिलेगा चाहे 10 बिडर्स हो कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। आपने
तनख्वाह मुराआत पेंशन के बाद चाहे जज हो जर्नल हो, फिर उनको आपने ये किस कानून के तहत इंश्योर करना है कि फिर भी उनको रीएम्प्लाई करना है। पीआईए के एमडीओ की तारीख पढ़ें, पब्लिक सर्विस कमीशनों की और जितनी भी इंडिपेंडेंट या सीमी ऑटोनमस एंटिटीज है, आपको यही हजरात मिलेंगे। अभी परसों फलां यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी रिटायर्ड जर्नल को बना दिया। रहम करो इस मुल्क पे, ये मुल्क सिर्फ आपको पालने के लिए नहीं बना है, ये मुल्क इसका ख्वाब जो कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था वो पाकिस्तान के अंदर तमाम कौमियतों बशमूल मिनारिटीज के उनके हकूक की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ था। क्या हम देख रहे हैं कि इस पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? जो भी आवाज़ उठाता है मारो पीटो रगी दो अगवा करो। तो मैं ये कहता हूं, हम जब तवक्को रखते हैं, मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं ये तवक्को रखना कि फुल कोर्ट बैठेगी और वो जनाब आपका निजाम दुरुस्त करेगी, अहमकों के जन्नत में रहने के मुतरादफ है। ये तवक्को रखना कि जनाब अली फलां फलां का जमीर जागेगा, इस्तीफे देंगे, निजाम दुरुस्त होगा, या ये तवक्को रखना कि कोई गैबी मदद आएगी और पाकिस्तान के हालात जो हैं आपके लिए दुरुस्त कर लेगी, मईशत चल पड़ेगी, कानून की हुक्मरानी होगी और सब जो हैं वो पाक सरजमीन शादबाद के गाने लगाएंगे और फख्र से कहेंगे कि जी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की हरियाली है, क्योंकि गैबी मदद आएगी। ये अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादफ है। आपने सबसे पहले और अव्वलन और अखीरन आपने इन्हिसार करना है अपने अंदर के इंसान पे। खुद हिम्मत पकड़ो, न गैबी मदद आनी है न इधर से न उधर से, अपने जात के अंदर तहैया कर लो कि मैंने पाकिस्तान में जुल्म जबर ना इंसाफी लाकानूनीयत को रोकना है, चाहे करने वाला कोई क्यों ना हो और इसके लिए कोई कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। हम पाकिस्तान में रोजाना देखते हैं कि कभी एक एडवेंचर कभी जज की शक्ल में, कभी सियासतदान की शक्ल में और कभी जर्नल की शक्ल में तजर्बे करते आते हैं और हमारे ऊपर, हमारे हकूक के ऊपर, हमारी रियासत, हमारी ममलिकत, हमारी सरजमीन पे। कभी हमने कोशिश भी की है कि उनको सजा दे सके, कभी सुना भी है कि कोई जर्नल पांसी हुआ, कभी सुना भी है कि कोई जज पांसी हुआ, क्यों नहीं हुआ? कितने बड़े बड़े जराइम का इर्तकाब किया है, क्योंकि हमने ही यहां पे इम्यूनिटी का कल्चर मुतारफ कराया है कि जनाब बारसूख लोग जो हैं वो कानून के असर से आजाद हैं, इन पे कानून की लाठी नहीं पड़ सकती है। अल्लाह के बंदो, चाइना में देख लो ना, साउथ कोरिया की मिसालें आपके सामने हैं, तोपों के सामने तो रखे उनको उड़ाते हैं, वहां निजाम कैसा है और आपका निजाम कैसा है? 76 साल में इसी निजाम में आपने रहते हुए इस मुल्क और इस मुल्क के लोगों का दड़न तख्ता कर दिया। पाकिस्तान को जरूरत है कि हम एहतसाब के ऐसे अमल को मुतारफ कराएं जिसका ताबे जज भी हो, जिसका ताबे जर्नल भी हो, जिसका ताबे जो है मुआशरेकार शख्स हो, और किसी की जरूरत ही ना हो। यहां जरूरत क्या, यहां कहते हैं कानून की चिड़िया का नाम है। आज इस्लामाबाद में आपका ऐसे चो इतना बेशर्म हो गया है। मैं दुबई गया था, अब सुने मिसाल दे रहा हूं, दुबई गया था अभी कुछ दिनों कबल, एक हफ्ता 10 दिन कबल, तो मेरे एक जूनियर को एक ऐसे चो की कॉल आती है, मैंने किसी जगह पे वहाँ ये सेमिनार था, वर्कशॉप था,
ये ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों को जो बेचते हैं, तो वहाँ मैंने जाना था, उसमें शिरकत करनी थी, एक तारीख रखी थी। तो इस एचओ ने कहा मेरे जूनियर को कि जी वो मरवत साहब को बता दे कि वो ना आए वर्कशॉप में, ना आए। वो भाई कौन हो तुम? तो जूनियर ने मुझे कहा कि जब मैंने उनको बताया कि वो तो बाहर हैं, अब काश मैं इधर होता और मैं चाहता कि मैं आता और मैं देखना चाहता था कि तुम गुंडागर्दी पे किस तरह मुझे जो है या बदमाशी के तौर पे या डंडे के तौर पे तुम मुझे राम कर सकते हो। मैं बहसीत पाकिस्तानी कानून जानते हुए किसी ऐसे चोर थानेदार रेंजर एजेंसी के किसी गैर कानूनी कदम पे सर खम ही नहीं कर सकता हूं। ये कानून ने मुझे सिखाया है, 32 साल से मेरे दिमाग में पड़ा है, 32 साल से मैंने ये सीखा है कि मैंने लोगों को उनका हक जो है दिलाना है, तो किस तरह कोई मेरे अपने हक पे कदम किस तरह लगा सकता है। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को जरूरत है कि कौम ये एहसास करे कि हमारी खामोशी या हमारी इन एक्शन, कोई फेल का इर्तिकाब न करना, इन हालात व वाकयात पे अपने ज़मीर के मुताबिक कोई अमलन किरदार अदा न करना, बलिहाज मजमूई हम इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता तवाइफुल मलूकी, टोटलिटेरिज्म, बल्कि एक माफिया के सुपुर्द करते जा रहे हैं। जिस तरह आपके सामने हुआ एमएनएस बनाए गए जो थे नहीं, एमएनएस बनाए गए फॉर्म 47 पे, हकूमत बनाई गई फॉर्म 47 पे, आईनी तरमीम कर दी गई उन्हीं फॉर्म 47 की बुनियादों पे, किस तरह मुहद्दब मुआशरों में इस तरह हो सकता है? हमारे यहां और आए बार की बात की, रियासत अली आजाद साहब 2.5 साल कबल जब पीटीआई पे ताजियाने जुल्म जबर के बरसाने शुरू हुए, उस वक्त मेरी बड़ी तवक्को थी इस काले कोट और टाई वालों से कि उठेंगे और इंसानी हकूक का तहफ्फुज करेंगे। 2.5 साल से राह देखते देखते अब मैं मायूस हो चुका हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस पेशे ने हमें सिखाया था कि हमने अपने मुआशरे इस्लामाबाद के लोगों के लिए, अगर मैं इस्लामाबाद में वकालत करता हूं तो मैंने दीवार बनना है उनके हकूक की पामाली के बरखिलाफ। अगर कोई मिठा ठवाना में, कोई जलालपुर जट्टा में या कोई तोंसा शरीफ में वकालत करता है तो वहां के वकीलों ने वहां के मकीनों के लिए बनना था। जब पूरे पाकिस्तान में बुनियादी शहरियों के हकूक पे यलगार हुई तो सबसे अहम जो कैजुअल्टी थी वो तहसीलों की, अजला की और सूबों की बारे थी, जो कुछ नहीं कर सकी, शायद डर गई थी। और वो डर आज भी वकला को किसी तहरीक पे गामजन करने से रोक रहा है। हम माजी की मिसालें देते हैं, आज मुझे शक होता है कि शायद मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीक चली थी वो भी कियानी की मशावरत से चलाई गई थी, क्योंकि हमारा इस पेशे में ये यूनिफॉर्म पहने का हक तभी अदा होगा जब हम खुद मुजस्सम बन के, इनकारनेट होके ये हक अदा तभी कर सकते हैं जब हम कहेंगे कि हम अपनी इस निज़ाम के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे। मुल्क में लाखों वकला हैं, लाखों वकला अगर डट जाते, एक एक ऐसे चोर थानेदार डीपीओ उन पे मुकदमे करते जो लोगों के घरों में घुसे हैं, क्या हशर होता। हमें पता है ना, जब बार इकट्ठे होती है और बार एक्टिव होती हैं तो किसी की मजाल नहीं, क्यों कर हम पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ़ुज़ न कर सके। अदलिया फेल हुई, नाकाम हुई, 76 साल में पहली दफ़ा इन्होंने 199 की एनफोर्समेंट करनी थी और पहली दफ़ा जब इन पे जिम्मेदारियाँ पड़ी तो हमने बड़े बड़े महिलाड़ों को जो हैं डेथे देखा,
गिरते देखा, हम पेश होते थे, हमें पता होता था कि हजूर ने कोई रिलीफ नहीं देनी है, बुजदिल है, डरपोक है, सरेंडर्ड है, कंप्रोमाइज है। बड़े बड़े जज आज भी अदल के ऐवानों में बैठे हैं और छोटे छोटे मुकदमे में लंबी लंबी तारीखें मिला करती थी ताकि कोई रिलीफ न मिले। याद रहें, पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तानियों को नफसियाती तौर पर डराने के लिए ज़रूरी था कि कोई अदारा उनको छुड़ा ना सके। अगर हफ्ते छः दिनों में जमानतें होना शुरू हो जाती, किस पाकिस्तानी ने डरना था? आपने देखा अली मोहम्मद खान 24 दफ़ा गिरफ्तार हुए, शहरयार अफरीदी 19 दफ़ा गिरफ्तार हुए, असद कैसर 13 दफ़ा गिरफ्तार हुए, और ये सैकड़ों मिसालें हैं। तो लिहाजा किस्सा मुख्तसर, पता नहीं आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लाता है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तानी कौम ने आज भी इसका एहसास नहीं किया कि हमने ज़ल्म और जबर ज़्यादती लाकानूनियत और तवाइफुल मलूकी के ख़िलाफ़ एक कौम बन के उठना है। आज हज़्ब इक़्तिदार के लोग शायद बड़े खुश होते होंगे कि हमने तो बेंचेस को भी काबू कर लिया और हमने खान को भी अंदर रखा हुआ है, लेकिन ये जो कवानीन आज बने हैं कल की किसने देखी हैं कि यही खुदा नखास्ता कवानीन तुम्हारे गले का तोक न बन जाए। तो लिहाजा हमने ऐसे कवानीन को परवान ही नहीं चढ़ाना है, बनने ही नहीं देना है जो कवानीन शख्सी आज़ादी को, एहतराम आदमियत को और बुनियादी हकूक को और अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करता हो। ये वो जंग है, ये हकीकी आज़ादी का वो ख्वाब है जिसके लिए हर पाकिस्तानी ने और हर वकील ने उठना होगा। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका मशकूर हूँ, आप आए। मैंने इस खिताब में शायद जो बातें की हैं वो वकील बन के की है, कत्या नज़र इसके के कोई ये समझे कि मैंने किसी पार्टी की तर्जमानी की है। एक वकील की फ़िक्र और सोच यही हो सकती है, और मैं फिर कहता हूँ कि हम अव्वलन आखिरन वकील ही हैं। मौत ही हमारे जिस्म से कानून की हुक्मरानी का ख्वाब निकाल सकती है। हम जब तक सांस लेते रहेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कानून की हुक्मरानी की का ख्वाब भी देखेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ताबीर भी लाएंगे। शुक्रिया।